नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। तो ये है हमारा होली रेसिपीज़ का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट और खजूर और नमक पारे। तो ये देखिए, ब्रेड टोस्ट के लिए मैंने ब्रेड को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसे रिफाइंड ऑयल में तल लूँगी। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कुछ भी। तो देखिए, ये तलने के बाद मेरा यहाँ पे ये सारे ब्रेड्स ऐसे हैं। उसके बाद मैं ये चाशनी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल चीनी, उसमें फिर मैंने पानी में इलायची और केसर डालूँगी। उसके बाद मैं चीनी ऐड करूँगी चाशनी के लिए। ये देखिए, मैंने चीनी ऐड कर दिया। और जब चाशनी एक तार की बन जाए, बाद में मैं आपको, मम्मी चेक करके दिखाएंगी आपको। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये जो ब्रेड हमने तल लिए थे उसको ऐड कर दीजिएगा। ये हमारी चाशनी हो गई है और मैंने 2 मिनट छोड़ दिया था ठंडे होने के लिए। फिर मैं ये ऐड कर दूँगी। ये मेरा रेडी हो गया। अब दूसरा आप रेसिपी देखिए, जो कि एक खजूर की। यहाँ मैंने लिया है मैदा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं गेहूं का आटा डालूंगी। और उसके बाद मतलब 1 चम्मच के आसपास, बड़े वाले चम्मच के आसपास सूजी डालूंगी। यहाँ मैंने चीनी लिया है और चीनी में मैंने सौंफ और इलायची कूट के डाल दिया है। चीनी में मैं पानी डाल के इसको थोड़ा देर भिगो दूंगी और इसी से मैं आटा गूंथूंगी। इधर मैं नमक पारे के लिए मैदा ली हूँ और उसमें अजवाइन और नमक डाली हूँ और घी डाल के मैं मोयन दे रही हूँ उसको। देखिए, जब ये इस तरह से हमारे हाथ में आने लगे तो मोयम हो गया है। और फिर उसके बाद मैं इसका आटा लगाऊंगी और इसे गीले कपड़े से ढक के छोड़ दूंगी। इधर मैं खजूर के आटे लगा रही हूँ, इसमें भी मैं घी डाल के और फिर इसको थोड़ा सा घी डाली थी इसमें, फिर मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद वो जो मैंने शुगर में पानी, इलायची और सौंफ डाला था, उसी से मैं आटा लगाऊंगी। आटा मतलब ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। फ्रेंड्स, ये घी को मिलाने में, आप मोयन देने में आपको इतना टाइम लगेगा ही। इसमें मैंने थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि मतलब सारे डिशेज ऐसे ही हो जा रहे हैं, इसलिए इसमें मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ मोयन को। आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। फिर मैं यहाँ आटा लगा रही हूँ। मेरा आटा लग गया है, देख लीजिए आप किस तरह से मैं लगाई हूँ। और ये रहा नीमकी का, और ये मैंने देखिए खजूर को इस शेप में बना लिया है। फिर मैं तलूँगी और उधर मैं नमक पारे भी तल लूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरी फिफ्थ रेसिपी है। और मैं और रेसिपीज़ के ब्लॉग सॉरी और रेसिपीज मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि बिहार का फेमस डिश है, दही वड़ा और ये